हेलो गाइस, स्वागत है आपका फार्मी मुलास चैनल पर। हमारे वीडियो बहुत सारे आम के, झाड़ों के, अंजीर के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर डाले हुए हैं। सीताफल है, उसके अंदर आम है। ये थोड़ा सा हमने दुकान के पीछे जगह है ना, जंगल के अंदर आम के झाड़ा उगाए थे, तो हम उसे निकाल कर बकेट के अंदर निकाल कर खेत में लगाने वाले हैं। गाइस देखिए, उसको इस तरह से निकालना पड़ता है आराम आराम से। लोग क्या करते हैं, उसे उखाड़ के निकाल देते हैं, उसको पानी डालकर। पानी डालने से क्या होता है, उसकी जो जड़ें हैं ना, ढीले हो जाती है गाइस, ताकि वो ख़राब ना हो सके। ये हमारा पूरा नीचे जड़ के साथ उखड़ कर आया है। पहले ऑलरेडी हमने तीन झाड़ निकाल के रखे थे बकेट में। चलिए, स्वागत है आपका धमाकेदार वीडियो में। चलो, हम आ चुके हैं खेत में। जो आम के पौधे हमने उखाड़ कर लेकर आए थे, अब क्यान के अंदर रख कर हमने लेकर आए थे। अब दो पौधों को हम कलम तैयार करके लगाएंगे गाइस, और दो पौधों को हम ऐसी ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। देखिए गाइस, हमने इतनी झाड़ लगाने के जगहों पे पूरी जगह साफ कर दी है, और खिले के मदद से हम उसे गड्ढा करने वाले हैं। पूरा आजू बाजू घास बहुत सारा आया हुआ है हमारे। हमने पहले इससे पहले उसको एक राउंड अप भी मारे थे इतने आले में, इसीलिए यहाँ घास नहीं उठा ज़्यादा था। चलो, लगाते एक दो झाड़। देखिए गाइस, पूरी कोई और जड़े के साथ है ये हमारा गड्ढा हो चुका है। एक फीट के आसपास हमने गड्ढा कर दिया है, और हम उसे अब गांड इसे गड्ढे के अंदर डालते हैं। देखिए, एकदम आराम से डालना है गाइस, क्योंकि उसकी कोई और जड़ें टूट गई तो वो झाड़ कुछ काम के नहीं रहते। ये एक झाड़ को हमारे गाइस, इसको कोई नहीं है, तो हम उसे एक कलम तैयार करेंगे, अच्छे वैरायटी का वाला। थोड़े अच्छी क्वालिटी हरे रहने के लिए हमने थोड़ा सा यूरिया खाद और दानेदार दोनों मिक्स करके लेकर आए थे, उसके अंदर डाल देंगे। चलो, अभी अच्छी तरह से मिट्टी डालकर हम उसे पैक कर देंगे गाइस। देखिए गाइस, हमारा एक पौधा बचा था, तो उसके हम एक ये पुराना वाला हमारा 3 साल का पौधा है आम का, तो उसकी हम एक कलम लेकर उसको झाड़ को लगाएंगे। हमें कलम लेना है कम से कम पेन की जो साइज़ होती है, वो साइज़ की हमें टहनी लेना है। चाकू के छुरी की मदद से हम तोड़कर इस तरह से कट लगाएंगे उसको आराम से। ये काट कर हम उसको कलम बनाकर, ये अच्छे वैरायटी का झाड़ है गाइस हमारा, केसर बोल के उसी का है। ये देखिए, हमने इस तरह से जो उसकी टहनी लेकर तोड़ दिया है। जो दो पौधे हमने लगाए थे, एक पौधा बचे हुआ है, तो उसी का हम एक कलम तैयार करेंगे गाइस। देखिए, इसको कोई नहीं थी ना, तो इसीलिए हमने उसे कलम तैयार करने का सोचा है। तो उसे सेंटे से कट कर देना एकदम। ये देखिए, वो कट करके फेंक दिया हमने,
उसको है बीचों बीच सेंटर में से कट लगाना है। देखिए ऐसे 1 इंच से 1.5 इंच तक हमें कट लगाना है। और जो दूसरी आम की टहनी लिए थे हमने, तो उसे उसके पत्ते पूरे कट कर देना है। ये देखिए जो बीच में का एक हिस्सा है उसे हम रहने देंगे, और उसको इसी तरह आराम आराम से छील कर इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए उसी को इसके अंदर जो कलम तैयार करने का है उसी के अंदर हमें इस तरह से लगा देना है। ये देखिए एकदम फेस टू फेस बैठा है ये। हमने पन्नी लपेटने के लिए लाना भूल गए गाइस घर से, तो इसीलिए हम एक चिंदी की मदद से हम उसे पैक करने वाले हैं। खाली इतना है कि उसे हवा नहीं जानी चाहिए अंदर, और बारिश के पानी से भी बचा रहे वो। उसे पन्नी का से चिंदी से भी लपेट सकते हैं। देखिए अभी 2-4 8 दिन के अंदर ये झाड़ हमारा तैयार हो जाने वाला है गाइस। चलो लगाते हैं इसे भी ज़मीन के अंदर। देखिए ये दूसरे वाला भी हमने कलम लगा दिया है, और बाकी के भी पूरे सक्सेस हो चुके हैं गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, हमारे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।